यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार के आदेश पर घमासान मचा हुआ है। वहीं सरकार के आदेश पर क्या है अयोध्या के संतों की राय, देखिए इस रिपोर्ट में। कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि कांवड़ यात्रा के रास्तों पर जो भी दुकानदार दुकानें लगाएंगे वो बकायदे अपने दुकानों का नाम और दुकानदार का भी नाम लिखेंगे। इसको लेकर अब तरह तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं, विपक्ष ने घेरना भी शुरू कर दिया है और इसको लेकर राजनीति भी गर्म हो गई है। लेकिन इससे इतर अयोध्या के संत हमारे साथ हैं, हम इनसे जानते हैं कि संतों की क्या राय है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश उन्होंने किया है कि जो भी दुकानदार हैं अपना नेम प्लेट वहां लगाए, कि क्योंकि कुछ लोग शरारती तत्व तो इस तरह के लोग आते हैं कि लोग रहते हैं कहीं और के नेम प्लेट कुछ होता नहीं है और जो कांवर यात्रा वाले जो आते हैं उस पर जो हमला कर देते हैं, तो इसलिए उनका जानकारी बहुत जरूरी है कि उनका नेम प्लेट होना चाहिए, उनका आधार कार्ड भी लगना चाहिए। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी, धार्मिक दृष्टिकोण से, जिसे सनातन धर्म की रक्षा हो सके, उन्होंने जो ये आदेश जारी किया है बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छा है और लोगों के हित में है। ये बहुत ही अच्छा विचार आया है जिस तरह से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो फरमान जारी किया है, ये सराहनीय है और इसमें किसी भी तरह का, चूंकि जिस तरह से एक भी नहीं अनेक भी, पिछले बार भी आपने देखा होगा कि अन्य समुदाय के लोगों ने जब धार्मिक यात्राएं निकलती हैं और उसमें अन्य समुदाय के लोग जा करके और लोगों के विचारों को, लोगों की आस्थाओं पे कुठाराघात करते हैं, इसलिए कुठाराघात ना करें, जो कि जो श्रद्धालु को जिससे जो इच्छा हो, जिसके दुकान में जो खाने की पीने की जो इच्छा हो वो ले सके, तो इसलिए नेम प्लेट की आवश्यकता है, क्योंकि उसके विचारधाराओं की, उसकी धार्मिक जो यात्राएं होती है उनमें जो कुठाराघात होता है यह विश्वासघात ना होने पाए, इसलिए माननीय सभी मुख्यमंत्री जी ने जो ये निर्णय लिया है ये बहुत ही सराहनीय निर्णय है। इस आदेश के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है, तमाम चर्चाएं भी हो रही हैं, कोई तुगलकी फरमान कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो किस नजर से देखते हैं? ये निहायत मूर्खता भरी है, ये उनका ये मूर्खता से ज्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता है। उनको स्वयं विचार करना चाहिए, क्या वे जब पूजा पाठ करने जाते हैं या काशी विश्वनाथ में दर्शन करने भी जाते हैं तो उस समय वो क्या चाहते हैं, कि कोई पंडा पुजारी उनके मस्तक पर चंदन लगावे या कोई विधर्मी उनके मस्तक पर चंदन लगावे? अपने समय में सारा पवित्रता चाहिए और दूसरे के समय में पूरी राजनीति उनको दिखाई देती है। इस काम का तो सहर्ष खुले हृदय से स्वागत करना चाहिए। ये विपक्षी इस पर अगर कुछ बोलते हैं तो ठीक नहीं है, और उनके भी वोटर उसमें सर्वाधिक शामिल रहते हैं जो कांवड़ यात्रा में रहते हैं। ये केवल मात्र भाजपा के वोटर नहीं रहते हैं या केवल वो लोग नहीं रहे जो भाजपा को वोट करते हैं, ये संपूर्ण लोग हिंदू जनमानस के हैं और हर समाज के लोग इसमें शामिल रहते हैं, इसलिए सबको चाहिए इसकी पवित्रता को बरकरार रखी जाए। वीडियो जर्नलिस्ट दृष्टांत एम के साथ संजीव आजाद, न्यूज़ स्टेट, अयोध्या।